उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की और उन्हें उत्तराखंड की पर्यटन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से चमोली जिले की नीति घाटी में स्थित टिम्बर सैंड महादेव को श्रद्धालुओं के लिए खोलने और पर्यटकों को इनर लाइन परमिट जारी करने की मांग की है। सतपाल महाराज का मानना है कि इससे सीमांत गांव सुरक्षित रहेंगे, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सतपाल महाराज का कहना है कि टिम्बर सैंड महादेव में अमरनाथ की तरह शिवलिंग की रचना होती है, केंद्र की ओर से यात्रा की अनुमति दी जाती है तो ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटकों की आवाजाही से सीमांत गांव महफूज रहेंगे, साथ ही पर्यटकों को जनजातीय लोगों के खान पान और संस्कृति की भी जानकारी मिल सकेगी। सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने रामनगर में स्थित IHM संस्थान को केंद्रीयकृत करने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी है और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि हमारे IHM को सेंट्रलाइज वो करेंगे, पूरी तरीके से उसके लिए सारी हमारी फाइलें तैयार हो चुकी हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ जो प्रसाद और हमारी स्वदेश योजना है उसमें भी मंत्री जी जो है विचार करेंगे, और स्वदेश योजना तो अभी रुकी हुई है, महाभारत सर्किट पे भी विचार करेंगे, और ट्राइबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है। और हम चाहते हैं कि टिम्बरसैन महादेव जहाँ की स्वयंभू लिंग बनता है, विशाल लिंग बनता है, वो यात्रियों के लिए खोला जाए। इससे हमारे जो सीमांत गांव हैं ये बसे रहेंगे, लोग वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी करते रहेंगे और टूरिस्ट वहां जाता रहेगा, और इससे हमारे बड़े गांव जो हैं सीमांत गांव महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ाने का इस समय मंत्री जी से बातचीत हुई है, मंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे, और ट्राइबल टूरिज्म के अंदर जो ट्राइबल लोग खाते हैं उनका खान पान भी परोसा जाएगा, इम्यूनिटी फूड बूस्टर्स भी परोसे जाएंगे, उनकी संस्कृति भी आगे रखी जाएगी, किस प्रकार की उनकी संस्कृति है, कैसे तिब्बत से वो व्यापार करते थे, तो बहुत सी चीजें जब जनता के आगे रखी जाएंगी, एक सर्टिफिकेट भी हम देने का काम करेंगे, आप जब नीति और माणा में रहेंगे कि आप सीमांत गांव में एक रात को रहे हैं। इसी प्रकार से जादुन को लेने का भी विचार है, कुटी को भी लेने का विचार है, और जहां पर ब्यास जी रहते थे उनके आश्रम को भी हम लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इनर लाइन परमिट हमारे यात्रियों को मिले और हमारे जो हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं और सीमांत गांव जो हैं ये पर्यटन को की सेवा कर सके। सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह से भी मुलाकात की और उनसे ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। MI News